भाजपा की मांग के बाद राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करने के लिए कह दिया है। फ्लोर टेस्ट के लिए बोले जाने पर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कोर्ट आज शाम को सुनवाई करेगा। इधर राज्यपाल की ओर से बहुमत साबित करने का समय गुरुवार शाम तक का निर्धारित किया गया है। इस बीच भाजपा के सभी विधायक होटल ताज में रुके हैं, उनके लिए 71 कमरे बुक किए गए। खबर है कि राज ठाकरे ने भी भाजपा का साथ देने की बात कही है और उद्धव ठाकरे को तगड़ा झटका दिया है। राज्यपाल जी को ईमेल के माध्यम से और प्रत्यक्ष रूप से हमने पत्र दिया है और इस पत्र में हमने ये कहा है कि राज्य की जो परिस्थिति दिखाई पड़ती है, इस परिस्थिति में शिवसेना के 39 विधायक ये बाहर है और वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेस एनसीपी की सरकार में नहीं रहना चाहते और इसका सीधा मतलब है कि ये 39 एमएलए ये सरकार के साथ नहीं है या वे महाविकास आघाड़ी को समर्थन नहीं देना चाहते। और इसलिए हमने राज्यपाल जी को कहा है कि चूंकि सरकार अल्पमत में दिखाई पड़ती है, इसलिए तुरंत सरकार को आप निर्देश दें, मुख्यमंत्री को निर्देश दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी फ्लोर टेस्ट करें और अपना बहुमत सिद्ध करें। होटल ताज में ठहरे भाजपा के सभी विधायक गुरुवार को मुंबई के लिए निकलेंगे और फ्लोर टेस्ट में शामिल होने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। इस बीच खबर है कि राज ठाकरे की पार्टी मनसे ने भी भाजपा के साथ देने की बात कही है। विधानसभा में मनसे का सिर्फ एक ही विधायक है। फ्लोर टेस्ट की मांग के बाद शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी के होटल से रवाना हो गए हैं। बागी विधायक एयरपोर्ट से सीधे गोवा जाएंगे और कल फ्लोर टेस्ट में भाग लेंगे। दूसरी तरफ उद्धव के साथ खड़े नेता मातोश्री पहुंचे हैं। इनमें संजय राउत, कांग्रेस के बाला साहब थोराट और एनसीपी नेता दिलीप पलसे पाटिल और संजय पाटिल शामिल हैं। खबर है कि भाजपा और शिंदे गुट में सरकार बनाने के बाद मंत्रियों का हिसाब किताब भी तय हो गया है। जानकारी के अनुसार भाजपा शिंदे गुट के 8 विधायकों को कैबिनेट और 5 को राज्य मंत्री बनाएगी। कुल 13 मंत्री शिंदे गुट से सरकार में बनेंगे। शिंदे गुट ने उप मुख्यमंत्री का पद भी चाहा था, जिसे भाजपा ने स्वीकार कर लिया है। शिवसेना के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले शिंदे गुट भी सुप्रीम कोर्ट गया था। शिंदे समर्थक विधायकों ने याचिका में डिप्टी स्पीकर के नोटिस में 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को 12 जुलाई तक का समय जवाब देने के लिए दिया था। इस फैसले से विधायकों की सदस्यता बच गई और वे फ्लोर टेस्ट में वोटिंग कर सकेंगे।